जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय टॉक शो का आयोजन किया जा रहा है। यह है टॉक शो राजधानी के मेडिकल कॉलेज अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेम शैलेश लोरा, फोर्ब्स लिस्टेड फोटोग्राफर विकी रॉय, लाडली फाउंडेशन के देवेंद्र कुमार गुप्ता, 2014 IAS टॉपर ईरा सिंघल, आशुतोष त्रिपाठी, मनोज कोठारी और बतौर वक्ता शामिल होंगे। अपनी सफलता की कहानी सभी युवाओं के साथ साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच सकारात्मकता का माहौल बनाना है। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे युवाओं को बुलाया गया है जिन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल किया है। ये कार्यक्रम 12 जनवरी संडे को हो रहा है दोपहर 1 से 4 मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम रायपुर में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि थोड़ी पॉजिटिविटी फैले और जो युवा सपने तो हजार देखता है लेकिन उनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं रहता, तो हमने कुछ ऐसे वक्ताओं को बुलाया है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है कि वो अपने सक्सेस फॉर्मूला बताएं ताकि उससे प्रेरित होकर हर युवा अपने सक्सेस फॉर्मूला खुद तैयार करे, अपना प्रोसेस अपना प्रोसीजर खुद तैयार करे और अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बनाए। इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम तारक मेहता शैलेश लोढ़ा जी आ रहे हैं, IAS UPSC टॉपर 2014 ईरा सिंघल आ रही है, विक्की रॉय आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जर्नी कूड़ा बीनने से शुरू की और वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 की लिस्ट तक गए, इंडिया के सबसे बड़े वुमन एम्पावरमेंट NGO के संस्थापक लाडली फाउंडेशन के संस्थापक देवेंद्र कुमार गुप्ता आ रहे हैं, और रायपुर से श्री आशुतोष त्रिपाठी जी है, KPS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और एक युवा उद्योगपति है मनोज कोठारी जी। इस कार्यक्रम को लेके मुख्य तौर पे हमने युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। आज जो युवाएं अपने दिशाओं से भटक रहे हैं उनको सही लेंथ और लाइन दे के और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मोटिवेशन करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है हमने। चलिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। स्वराज एक्सप्रेस पर खबरें लगातार।